नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आजकल एक शेर बहुत पॉपुलर हो रहा है कि बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की ज़रूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है। अभी दोस्तों, ये जो कोरोना का दूसरा लहर आया है, ये पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और अब तो हवाओं में भी इसके जरासीम ये वायरस घूम रहा है। इसलिए दोस्तों, अब पहले से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिना मास्क लगाए कहीं मत जाइए, क्योंकि अब हवाओं में ये वायरस घूम रहा है। बेवजह कहीं भीड़ में नहीं जाने की ज़रूरत है। और जो भी डॉक्टर हमें सुझाव दे रहे हैं कि बार बार हाथ धोना, अब सैनिटाइज करना, इन सब नियमों का पालन करना है। और दोस्तों, अपने रहन सहन में, अपने खान पान में भी हम सुधार करके बहुत हद तक इस कोरोना पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जब आप सुबह उठिए तो थोड़ा पार्क में या कम से कम छत पे या खुली जगह पे खड़े होके थोड़ा प्राणायाम करिए, गहरी सांसें लीजिए। ये हमारे जो लंग्स हैं, ये अगर स्वस्थ रहेंगे तो इस कोरोना से जीत जाएंगे हम। तो लंग्स को साफ रखना है। और हमारे किचन में जो चीज़ें हैं, हल्दी है, दालचीनी है, काली मिर्च है, तुलसी है, इन सब चीज़ों का काढ़े के रूप में प्रयोग करें। हो सके तो गिलोय वगैरह लें, आंवले का प्रयोग करें, संतरे का प्रयोग करें। आंवले को चटनी के रूप में, मुरब्बे के रूप में, आंवला कैंडी भी मिल रहा है आजकल, रामदेव बाबा का, डाबर का, बहुत सारी कंपनियों का, उसका प्रयोग करिए। इन सब चीज़ों से हमें ताकत मिलेगी दोस्तों। हो सके तो भाप लीजिए, इससे भी साफ रहेगा ये जो सांस की नली है, साफ रहेगी। प्याज भी बहुत अच्छी चीज़ है, एक कच्चा प्याज ज़रूर खाइए, और उसके खाने के 10 मिनट पहले और बाद में कुछ नहीं खाइए। कलौंजी बहुत अच्छी चीज़ है, जो काली काली कलौंजी, उसे सुबह में चबा के थोड़ा सा पानी, गुनगुना पानी पी लीजिए, इससे भी अंदर बहुत ताकत मिलती है दोस्तों। बस अपना ख्याल रखना है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर हम अपना लें तो हम इस कोरोना के जंग को जीत सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप के लिए मैं भी दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, और हम सब मिलकर इस कोरोना के जंग को जीत पाए। और अपने परवरदिगार से, भगवान से, खुदा से, ईश्वर गॉड से प्रार्थना करते रहिए कि खुदा हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। ये बहुत ही पाक महीना भी चल रहा है, रमज़ान का भी और नवरात्रे का भी। इस पाक महीने की बरकत से हम इस मुसीबत से बाहर निकल जाए, इसके लिए दुआ करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.